हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 777 टैरो विथ रूही। सो फ्रेंड्स, आज हम वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो की रीडिंग करेंगे। उनकी लव लाइफ में 15-16 डेज में क्या होने वाले हैं वो हम देखेंगे, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और उनके पार्टनर की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है वो हम देखेंगे। तो चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। सो जिनके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ उसे ले लें, और जिनके साथ नहीं रेजोनेट करती है हमारे चैनल पे दूसरे वीडियोस हैं, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। सो चलिए हम शुरू करते हैं ये हमारी ये रीडिंग, स्कॉर्पियो की रीडिंग, लव लाइफ रीडिंग क्या है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इन 15-16 डेज में, देख लेते हैं 15-16 डेज में क्या होगा। स्कॉर्पियो की लाइफ में 15-16 डेज में क्या होगा ये हम देख लेते हैं। तो हम कार्ड निकालते हैं, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा और ये पांचवा कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। ओहो, चलिए ये लव रीडिंग के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है। कोई अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो वो अब कंप्लीट होगी, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए महसूस करते होंगे। अच्छा कार्ड आया है, चलिए देख लेते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, वाह। और इसके बाद है द जजमेंट, जजमेंट का कार्ड आया है। और इसके साथ हमारे पास है सेवन ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियंस, आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि उनको लव ऑफर करने वाले हैं उनके पार्टनर इन 15-16 डेज में। कोई बातचीत नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट में थे, तो वो अब आपसे कांटेक्ट करेंगे, अपना लव ऑफर करेंगे, आपके साथ न्यू रिलेशनशिप, न्यू बोलते हैं ना, नई तरह से शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। और काफ़ी स्ट्रांग मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। टेन ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे बताता है कि अगर उनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही थी तो वो अब काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले वो जूझ रहे होंगे तो अब काफ़ी अच्छी हो गई है, या फिर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर अच्छी ख़राब थी पहले तो अब अच्छी हो गई है। और अब आपके पार्टनर एक नेक्स्ट स्टेप पे अपने रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास काफ़ी चॉइसेस हो सकती हैं, काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है। एक आपसे आपके बाद भी उनके लाइफ में कोई और हो सकता है जिनको लेकर के आपके और उनके बीच में वो, उनके पास बहुत, एक नहीं बहुत ऑप्शंस हैं, काफ़ी ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके घर वालों ने उनके शादी के लिए भी कुछ देख रखा होगा, तो इस वजह से वो कन्फ्यूज़न में होंगे कि आपके साथ जाए या फिर उनके साथ जाए। अपने घर वालों की बात माने, उन लड़कियों से या लड़कों से के बारे में देखें, सोचें, या फिर आपके साथ जो पहले उन्होंने टाइम स्पेंड किया है वो अभी काफ़ी कंफ्यूज है, आपके आपको लेकर के वो काफ़ी कंफ्यूज है, आपकी अपने फीलिंग्स को वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है, और मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि अगर नो कॉन्टैक्ट में थे वो तो, और उन्हें अपने पार्टनर का इंतज़ार था और वो काफ़ी प्रार्थना भी कर रहे हैं भगवान से, ईश्वर से, काफ़ी विनती भी कर रहे होंगे, प्रेयर कर रहे होंगे चर्च में, जहाँ कहीं भी अल्लाह दुआ, अल्लाह से दुआ मांग रहे होंगे, तो उनकी दुआ अब कबूल होने वाली है, उनको जजमेंट मिलने वाला है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके पार्टनर उनको प्रपोज करेंगे शादी के लिए, वो अपना अपने आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों अलग अलग भी रहते होंगे, अलग ये स्टेट में, अलग कंट्री में, तो वो आपके पास आकर के सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपको, आप
आप दोनों का रिलेशनशिप एक नेक्स्ट स्टेप पे लेगा, मुझे ये जाएगा और मुझे ये फील हो रहा है कि आप दोनों शादी कर सकते हैं या एंगेजमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट शादी दोनों हो सकती है, पहले इंगेजमेंट होगी और उसके बाद शादी होगी, उसके बाद पार्टी में कुछ लोग को होगा कि अगर सिंगल्स देख रहे हैं तो किसी पार्टी में जाएं और उनका पार्टनर मिल जाए, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए वही मैंने बताया कि अगर हो भी गया था, कुछ स्कॉर्पियोज के लिए से सेपरेशन में थे और तो अब उनको जजमेंट मिलने वाली है, उनके पार्टनर उनके पास आने वाले हैं, उनको लव ऑफर करने वाले हैं। हमारे पास ये भी कार्ड आया है, लव ऑफर करने वाले हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं वो आपके साथ, अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाहते हैं आपके साथ। आपके साथ वो फैमिली बसाएंगे, अपने बच्चे चाहते हैं वो आपके साथ। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जजमेंट, जजमेंट का कार्ड तो मैंने आपको बताया है कि वो अलग थे तो आपके पास आएंगे। और जो लोग ये इस एनर्जी में है, जिनकी ये एनर्जी है, जिनके पार्टनर की ये एनर्जी है, उन लोगों को भी आगे चल करके मुझे दिख रहा है कि आगे चल करके उन्हें भी अपना एक क्लियरिटी आएगी, एक बैलेंस, वो समझ जाएंगे कि आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स है, और समझने के बाद आपके पास आएंगे। लेकिन अभी उनको टाइम लगेगा उन लोगों के लिए मैं बताऊं तो। और देख लेते हैं रोमांस ओरिकल से आपके पार्टनर के का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके लिए क्या करना चाह रहे हैं वो। काफ़ी अच्छी एनर्जी तो मुझे दिखाई दे रही है, हो सकता है कि आपके पार्टनर 3 वीक्स में आ जाएं, 3 मंथ में भी लग सकते हैं उनके लिए, और जो लोग इस एनर्जी में हैं उनको 3 इयर्स भी लग सकते हैं, मैक्सिमम 3 इयर्स लग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे 1 मंथ भी लग रहा है, 1 वीक भी लग रहा है, 1, 2 और 3 वीक्स लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और 1, 2, 3 मंथ्स भी लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए 2, 2, 3 इयर्स लग सकते हैं आपके पार्टनर्स आपके पास आएंगे और आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए। तो देखिए, मेक द एफर्ट, अपने रिलेशनशिप में एफर्ट लगाइए, एफर्ट दीजिए। अगर दोनों आपके पार्टनर अगर नहीं दे रहे होंगे तो उन्हें एहसास तो होने दीजिए, वो भी एफर्ट डालेंगे। आपके पार्टनर एफर्ट अगर नहीं डाल रहे थे रिलेशनशिप में तो वो एफर्ट अब डालेंगे, उन्हें एहसास हो चुका है कि उन्हें क्या करना चाहिए, आपके उनके तरफ से क्या कमी थी इस रिलेशनशिप में, उन्हें एहसास हो चुका है, इसलिए वो अब एफर्ट डालने को तैयार हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, वो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। देखिए कितना अच्छा मैसेज आया है, रोमांटिक फीलिंग्स, काफ़ी रोमांटिक है वो आपके पार्टनर, आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फील करते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं आप। सो 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास, पहला है हनीमून, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है। देखिए ये कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने कहा कुछ लोगों के पार्टनर्स आएंगे, उनको शादी के लिए प्रपोज करेंगे, उनके साथ अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं। देखिए हो सकता है कि आपके पार्टनर दूसरे कंट्री में रहते होंगे, ये भी मैंने आपको बताया, और आकर के आपको प्रपोज करके शादी करके हनीमून पे भी ले जाना चाहते होंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे। हनीमून, हनीमून, वाह। देखिए अनरिक्वायर्ड लव, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो लाइफ में है, देखिए उनके पास ऑप्शंस ये दिखाता है, जिनके लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है, लव वो नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं है, वो भी है उनके पास। तो अगला देख लेते हैं हम, ट्रस्ट, कुछ लोगों के लाइफ में कुछ लोग अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर उनके पार्टनर उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, तो उनके पार्टनर अब उन पे ट्रस्ट करेंगे और वो इशू ख़त्म होगी और वो आएंगे आपके पास, आपको लव ऑफर करेंगे। इसके साथ मैसेज हम देख लेते हैं, उनका क्या मैसेज है आपके लिए, क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको। तो पहला मैसेज है
हमें तुमसे प्यार कितना सकते तुम्हारे बिना। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया, ये कार्ड और ये कार्ड, देखिए तीनों कितना रेजोनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। रोमांटिक फीलिंग आपके लिए, फिर इतना खूबसूरत सा गाना आपको डेडिकेट कर रहे हैं, और प्रपोज तो करेंगे ही वो आपको। तो उनका है, आई जस्ट नीड यू हेयर, आपकी जरूरत है उन्हें, जहाँ है वो काफी मिस कर रहे होंगे आपको। देखिए, प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। कितना खूबसूरत सा गाना डेडिकेट कर रहे हैं आपको। देखिए, यू हैव माई होल हार्ट ऑफ माई होल लाइफ, आप सब है उनके लिए, उनका दिल आपके लिए है, उनकी जिंदगी आपके लिए है। अगला मैसेज हम देख लेते हैं, आई विल लव यू अंटिल द स्टार गो आउट। जब तक चांद सितारे चले नहीं जाते हैं, तब तक वो आपसे प्यार करेंगे। नाउ इज नॉट द टाइम। अभी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि टाइम नहीं है, इसलिए ये मैसेज आया है। सही टाइम का वो वेट कर रहे हैं, और वो आएंगे आपके पास, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो सही टाइम का वेट कीजिए, मैंने बताया ही, पहले ही भी बताया था आप लोगों को। यू हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल स्माइल आई हैव एवर सीन। आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत लगती है उनको, वैसी स्माइल उन्होंने कभी नहीं देखी। तो ये रहे आपके पार्टनर्स के कुछ मैसेजेस। सो स्कॉर्पियंस, ये रही आपकी रीडिंग, जिनके साथ रेजोनेट करती है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। सो बाय।